ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत मिशन को लगा रहे पलीता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भारत सरकार की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। शौचालय बनवाने के नाम पर की गई अवैध वसूली। शौचालय पड़े हैं अधूरे, जंगल में शौच करने को है मजबूर। यह पूरा मामला बदायूं जिले के विकास खंड आसपुर ग्राम गोरियारी का है, जहां शौचालय बनवाने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। लोगों का आरोप है कि शौचालय बनवाने से पहले 500 से लेकर 6000 रुपए तक लिए गए हैं। गांव में अधिकतर ऐसे शौचालय हैं जो अधूरे पड़े हैं और जंगल में शौच जाने को मजबूर हैं लोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रुपए नहीं दिए, उनके ना तो आवास बने हैं और ना ही शौचालय बने हैं। एक तरफ भारत स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, वहीं प्रधान व सचिव मिलकर अवैध वसूली कर अभियान को पलीता लगा रहे हैं। पल्ली पड़ी हुई है, हाँ 5000 रुपए हम दे रहे थे, तो आ जाए आ सकता है। 5000 रुपए ले ले तुमसे प्रधान ने। प्रधान का नाम है दिनेश। कॉलोनी बनी गई है, बैठ रही ना। पैसा कितना मांग प्रधान ने? हाँ पैसा मतलब सब नहीं को दे दे 6000 रुपया निकाल के। हाँ 12000 में से फिर उसके बाद हम क्या कही प्रधान ने आपसे? जो कही की मतलब जो की भैया हमारे बाल उखेड़ गए वो कहा गया। हमारे कंप्लीट पड़े हुए क्योंकि इस संबंध में हमने लाभार्थी को स्वयं सीधे खातों में पैसा दिया है, क्योंकि जब तक खातों में हमने पैसा दिया है तो हम दोषी तो पहले उस लाभार्थी को मानते हैं, ताकि अपनी जेब से निकाल के दे दिए। अगर कहीं कुछ दिया भी है तो हम लिख के देंगे, उसके जाँच करा देंगे। जांच कराने में दोषी पाया जाएगा उसकी कार्रवाई। अब तक कितने सुलभ शौचालय बने हैं वहाँ पर? हमने स्वच्छ शौचालय को 208 का वहाँ चयन हुआ, देश रान के अनुसार 208 का चयन हुआ। उसकी धनराशि हमने उनके खातों में भेज दी। सर इनके जो अधूरे पड़े हुए हैं सर उनके संबंध में क्या? नहीं वो तो स्वयं उसी लाभार्थी को बनाना है, लाभार्थी बना के फोटो अपलोड हो जाएगा, दूसरी किस्त तभी उन्हें। तो ये कह रहा है कि हमसे पहले ही पैसे ले लिए थे वो, जो उन्होंने लिए जिसे दिया जितना गुनेगार देने वाला है उतना गुनेगार देने वाला है। तो ये हम पैसा सीधे खाते में दिया है तो गुनाह पहले उन्होंने किया, उन्हें नहीं देना चाहिए। तो शासन की मंशा है सीधी सीधी हम लाभार्थी को पैसा, लाभार्थी हमारा काम अच्छा करें। नहीं वो ये कह रहा है कि हमारे शौचालय की लिस्ट जब भेजी हमसे पहले पैसे ले लिए थे। ये तो उनकी हमारे संज्ञान स्तर की कोई बात नहीं, क्योंकि तो उनकी उन्होंने दिए हमारे संज्ञान की बात इस तरह की है नहीं। तो सूची के साथ इस तरह की बात आई कि जिनका पैसा पहुंच गया उन्हीं को सूची दी, हमारे पास देश का सूची आई उसे।